श्रवण किसको कहा? तो शास्त्र और आचार्य के माध्यम से। वेदांत ग्रंथों के तात्पर्य का निश्चय कर लेना, इसका नाम होता है श्रवण। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य किसमें है, निष्कर्ष कहाँ ले जाते हैं, उसका निश्चय कर लेना, इसी का नाम श्रवण होगा। बाद में फिर उसकी साधना करके अनुभूति होती है। एक बार निश्चय हो जाता है कि बद्रीनाथ हैं, हमने नक्शा देख लिया और पुराने लोगों ने हमको बताया जो वहाँ घूम के आए थे कि बद्रीनाथ हैं, तो मैंने निश्चय कर लिया कि बद्रीनाथ का मंदिर है। बाद में जब कभी हमारा समय लगेगा तब हम दर्शन करने के लिए वहाँ जाएंगे। तो एक निश्चय तो हो गया ना कि बद्रीनाथ का मंदिर है। वैसे ही सारे शास्त्रों का जो मूल तात्पर्य है उसका दृढ़ निश्चय कर लेना, ये यहाँ तक श्रवण हमारा जाता है। और जब तक जरा सा भी संशय हो गए मन में तब तक हमको श्रवण करते रहना है। पता नहीं है कि नहीं है, ऐसे लोग तो नहीं कह रहे हैं। श्रवण किसको कहा जाएगा? तो कहा चूंकि शास्त्र शब्द आ गया, शास्त्र और आचार्य, तो शास्त्र का जो तात्पर्य का निर्णय है उसके छह लक्षण हैं। छह लक्षणों के द्वारा षड लिंग के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। नाम गिनाया था, वो श्लोक किसको याद हुआ? बस गुड। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अभ्यास और उपपत्ति है न, अर्थवाद और उपपत्ति, ये छः उसके षड लिंग कहा गया। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था षड लिंग के माध्यम से। अब मनन पर आइए। श्रवण हो गया, तात्पर्य का निश्चय हो गया, तो मनन किसको कहते हैं? मनन देखो, मननंतो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतार्थ अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। मनन क्या है? इसको कहते हैं श्रुतस्य, जो आपने श्रवण किया, जो आपने श्रवण करके तात्पर्य का निश्चय किया, उसका किसका? अद्वितीय वस्तुनी। देखो, कई बार श्रवण किया तो हमने प्रक्रिया का श्रवण किया, कई बार हमने श्रवण किया तो उसमें साधन विषयक श्रवण किया। क्या श्रवण किया? कि निष्काम कर्म योग करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, इसका भी तो श्रवण हमने किया। तो कहा इसका नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या करोगे? बोले फिर ज्ञान के पास जाओ। तो जो तात्पर्य का निश्चय हुआ था उस विषय में अगर कोई संशय है तो आपको उसका मनन करते रहना है। प्रक्रिया का जो है मनन करना, वो मनन की अंतर्गत नहीं आवेगा। इसलिए कहा श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो, वह जो अद्वैत तत्व को आपने निश्चय किया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसी चीज का वेदांत अर्थ अनुगुण युक्त भी। वेदांत का जो तात्पर्य है, जो उसका अंतिम निश्चय है, उसी के अनुरूप। अब उसी के अनुरूप विजाति नहीं, चारवाक मत नहीं लाना है कि नहीं शरीर भी आत्मा है। अनुगुण युक्त भी माने हमारी उस निष्ठा में हमको सहायक बने, उसी के अनुरूप युक्ति भी ही। तरह तरह के तर्क के द्वारा अनवरत चिंतन करने का नाम होता है मनन। जो हमने वेदांत के शास्त्र आचार से श्रवण किया, उस तात्पर्य का वेदांत के अनुकूल युक्तियों के द्वारा उसी का निरंतर चिंतन करते रहने का नाम मनन, अनुचिंतनम। देखो जैसे एक शब्द कहें, विवेक क्या है? विवेक क्या है? तो आपने कहा कि नित्य और अनित्य वस्तु का, यही था ना, नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा। फिर हमने शायद कह दिया कि जब अनित्य समझ लेंगे तो अनित्य से वैराग्य हो जाएगा, यही तो नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होगा। और विवेक के बाद दूसरी चीज है
वैराग्य। तो जब नित्य अनित्य का विवेक होगा तो अनित्य से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन अब देखो मनन क्या होगा, लेकिन इस जगत में बहुत सारी चीजों में अनित्य हम समझते हैं लेकिन वैराग्य नहीं होता, यह भी तो दिखाई पड़ रहा है। अनित्य समझते हैं, भोजन अनित्य है कौन नहीं जानता, हाँ चावल दाल अनित्य है, हाँ पराठा अनित्य है, वैराग्य हुआ क्या, वस्त्र अनित्य है, वस्त्र अनित्य है, वैराग्य हुआ क्या। तो बहुत सारी अनेकानेक चीज़ें ऐसी हैं जो अनित्य हैं, हमारी बुद्धि जानती है कि अनित्य है लेकिन फिर भी उससे वैराग्य नहीं हो रहा। तो अब फिर कैसे करें हम, तो आपने तो कहा कि नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करो, जो नित्य है उसको समझो, जो अनित्य है उसको समझो, तो अनित्य से आपका वैराग्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है कि अनित्य वस्तु से समझने के उपरांत भी हमारे भीतर उस अनित्य वस्तु से वैराग्य नहीं हो रहा। भोजन वस्त्र का मैंने दृष्टांत दे दिया, अनेकानेक चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। तो अब ऐसा जब आप निरंतर चिंतन करोगे तो उसी का नाम हो जाएगा मनन। अब ये मनन है, फिर मतलब क्या हुआ नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, फिर इसका परिणाम क्या होगा उसका, इसीलिए कहा मनन माने। देखो मनन माने श्रुतस्य, जो आपने श्रवण किया अद्वितीय वस्तुनो अद्वय वस्तु का वेदांत अर्थ अनुगुण युक्त भी, उसी चीज का वेदांत के अनुकूल वेदांत के अनुसार युक्तियों के द्वारा ही निरंतर चिंतन करो, इसी का नाम होगा मन। विपरीत चिंतन का नहीं, विपरीत चिंतन का नहीं, हाँ कि अमुक ने ऐसा कहा, अमुक दार्शनिक ने ऐसा कहा, अमुक जो है फलाना जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर था उसने कहा, ऐसा नहीं। वेदांत के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल चिंतन का नाम मनन होगा, श्रवण मनन। तीसरा देखो, उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, नित्य अनित्य वाले का उत्तर नहीं दे रहा, वो मनन है। अब मनन करके आपको निकालना पड़ेगा, है ना। देखो विजाति देहादि प्रत्यय रहितात् विजातीय वस्तु जातीय प्रत्यय प्रवाहो निदिध्यासनम्। विजातीय देह प्रत्यय रहितात्, विजाति माने आत्मा से जो विजाति है, आत्मा की जाति वाला नहीं है, आत्मा चेतन है और आत्मा के अलावा जितना कुछ है वो जड़ है, तो आत्मा की जाति चेतन और बाकी सब जड़। आत्मा आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद और बाकी सब आने और जाने वाला क्षणिक है। तो आत्मा से व्यतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं कौन, देहादि प्रत्यय शरीर। एक दिन शायद हमने कहा था आत्मा का भाव कई चीजों में है, शरीर देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि शून्य, ऐसे है ना, देह प्राण अपि इंद्रियाण अपि, हाँ पूरा श्लोक याद है, इसको सैवी को याद होगा, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का है, देह प्राण अपि इंद्रियाण अपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। तो इसमें सारे मतों का समावेश किया है। तो शरीर से, शरीर को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेके, इंद्रियों, ये सब आत्मा से विजाती हैं। तो हमने इनको किया किनारे, विजाती देहादि प्रत्यय रहिता, विजातीय वस्तु जातीय। तो देह आदि जितने प्रत्यय हैं, देहो हम आदि, इनको किनारे करके और तत् जाति, तत् जाति माने कौन, वो आत्मा के स्वरूप वाला, मैं आत्मा हूँ मैं ब्रह्म हूँ, उसी के अनुरूप निरंतर चिंतन करते रहने का नाम प्रत्यय प्रवाह, उसी का नाम होगा निधिध्यासन। इसी को आप बार बार पढ़ो, सजाति वृत्ति प्रवाह का नाम निधिध्यासन, तैल धारावत। अस्य अर्थ, देखो इसका अर्थ कह रहे हैं फिर से, अस्य अर्थ विजातीय देहादि बुद्धि अंत जड़ पदार्थ निराकरणेन
सजाती अद्वितीय वस्तु विषय प्रत्यय प्रवाही करणम निदिध्यासनम इत्यर्थः। अस्य अर्थ निदिध्यासन का अर्थ अब स्पष्ट कर रहे हैं। विजाति देहादि बुद्धि, विजाति जितना है आत्मा से अलग जाति वाला, अरे विजाति हम उसको कहते हैं जैसे आप आलू खरीदने गए तो आलू और प्याज की जाति एक है क्या? ठेले पर दोनों रखा है, ठेले पर हम खरीदने गए थे आलू लेकिन वहाँ प्याज भी रखा है तो प्याज हो गया कौन सा? विजाति। तो ऐसे ही जब आप आत्मा के ज्ञान के लिए निकले थे तो आत्मा के अतिरिक्त जितना है देह आदि ये सब क्या हो गया? विजाति। तो विजाति देहादि बुद्धि अंतः, देह आदि शरीर मन बुद्धि आदि जितने हैं अंतः पदार्थ वो सब जड़ हैं, इनका क्या करो? पदार्थ जड़ पदार्थ निराकरणे, इनको किनारे कर दो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये जड़ वस्तुएँ नहीं हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ। और सजाति अद्वितीय वस्तु विषय प्रत्यय प्रवाहीकरण, सजाति माने कभी ऐसा विचार करो कि मैं आत्मा हूँ। फिर अब देखो मैं सर्वव्यापक हूँ तो शब्द बदल गया न, मैं आत्मा हूँ, और अब आत्मा की बजाय आपने क्या कहा कि मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं नित्य हूँ, तो शब्द बदल गए लेकिन जाति उसकी ही वही है। अब वही शब्द कह दूँ, आलू कितने प्रकार का होता है, कितने तरह के आलू होते हैं? एक ही तरह का होता है आलू, एक पहाड़ी आलू होता है हाँ, तो शायद महंगा बिकता है, एक लाल लाल होता है, एक बड़ा बड़ा होता है, एक छोटा छोटा होता है, हाँ सब आलू है कि नहीं? सब आलू है ना। अब वो प्याज तो नहीं है, तो हमने प्याज को किनारे किया और उसी इसको नाम दिया सजाति, उसी की जाति वाला। जैसे मैं नित्य हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो असंग हूँ, मैं तो साक्षी स्वरूप हूँ, इस प्रकार की वृत्ति का निरंतर सजाति अद्वितीय वस्तु विषय प्रत्यय, अद्वितीय माने मैं अद्वय ब्रह्म हूँ, इसी प्रकार का निरंतर चिंतन चलता रहे इसी का नाम होगा निदिध्यासन, इसका नाम होगा निदिध्यासन। ऐसा ही विचार चलता रहे, यही ब्रह्म चिंतन है, इसी का नाम अखंडाकार वृत्ति हो जाएगी, इसी को आप कह दोगे ब्रह्माकार वृत्ति है। यही अखंडाकार वृत्ति जाके अज्ञान का नाश कर देती है, और जैसे अज्ञान का नाश होता है ये अखंडाकार वृत्ति भी जलम कतक रेणुवत, जल में फिट करके जैसे ये भी किनारे हो जाती है। जैसे शरीर में दवाई खाई, कोई कोई दवाई होती है कि वो शरीर में दवाई हमने खाई उसने बीमारी को दूर किया, और जैसे बीमारी को दूर किया वो दवाई भी हमारे शरीर के जो विजाती तत्व हैं मल मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है और आप स्वस्थ हो गए। तो उसी प्रकार से ये निदिध्यासन है। तो तीन चीज हो गए, श्रवण मनन और निदिध्यासन, तीनों हो गया अर्थ। श्रवण माने षडलिंग के द्वारा शास्त्र और आचार के माध्यम से सुनते सुनते श्रवण करते करते अद्वय वस्तु का तात्पर्य निर्णय करना कि सब का अंतिम लक्ष्य वही है। शायद आप शाम का प्रवचन सुने होंगे तो मैंने बोल दिया होगा किसी दिन हाँ, कि चाहे देवी भागवत पुराण सुनो चाहे शिव पुराण सुनो, सब का मूल उपदेश कहाँ जा रहा है? उस एक नित्य ब्रह्म में, वह निराकार ब्रह्म में हाँ। अब उसी एक शक्ति से वो ब्रह्मा विष्णु महेश चलाए जा रहे हैं, रामायण में उसको कह देंगे राम। उसी एक शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, गणेश पुराण में हम उनको कह देंगे ऐसे ऐसे गणपति अथर्वशीर्ष में आ जाएगा। उसी एक शक्ति से सारा जगत चल रहा है, वो कौन है? कृष्ण है, भागवत में कह दोगे। तो उस एक तक अब क्या हो गया, चाहे जितना आप शास्त्र पढ़े सबका तात्पर्य कहाँ चला गया? कि उस एक तत्व का निरूपण करना चाह रहा है सब। देवी भागवत, शिव पुराण, भागवत, पद्म पुराण, चाहे जो पढ़ो
गीता उपनिषद सबका तात्पर्य वहीं जावेगा, इसका नाम होगा श्रवण। और नहीं पक्का होता तो उसी के अनुकूल युक्तियों का सहारा लेकर के मनन करो, इसका नाम होगा मनन। और जब एक बार मनन करके पक्का हो गया तो बस फिर वही मैं साक्षी स्वरूप हूँ, उस भाव को निरंतर बनाए रखो, इसका नाम हो गया निधिध्यासन। यहाँ तक उस समाधि सटक संपत्ति वाला ही प्रसंग था। विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति में सम क्या है, तो सम के लिए कहा था वहाँ पर अंतर इंद्रिय निग्रह, ऐसे कहा था, उसका विस्तार किया। अब दम का देखो, दमो नाम बाहिंद्रिय निग्रह, बाहिंद्रियाणि कानी, कर्मेन्द्रियाणि पंच, ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, तेषां निग्रह श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवृत्तिर्दमः। देखो तत्वबोध में इतनी परिभाषा सुनोगे, दमः माने बाह्य इंद्रिय निग्रह। अब देखो और विस्तार में गया ना, जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते जाओगे और गहराई में जाएगा। तो दम नाम क्या हुआ, बाह्य इंद्रियों का निग्रह। हाँ, अब कौसा, तो बाह्य इंद्रिय कितनी हैं, 10। कर्मेन्द्रियाण पंच, 5 कर्म की इंद्रियाँ, और ज्ञानेन्द्रियाण पंच, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ, इन्हीं को कहा गया। अब यहाँ पर निग्रह माने क्या, निग्रह माने कि इनको ऐसे पकड़ करके इंद्रियों को और गठरी बना के बोतल में बंद कर दें, जैसे भूत को बंद करते हैं ऐसे कर दें, ऐसा निग्रह का काम हुआ क्या। निग्रह माने बस में कर लेना, पकड़ लेना, बांध लेना, तो निग्रह माने क्या, तो उस निग्रह का सब देखो, जैसे सम माने मनोनिग्रह, दम माने बाह्य इंद्रिय निग्रह, तो निग्रह माने क्या कहते हैं, तेषां निग्रह, इन 10 इंद्रियों को निग्रह करने का मतलब हुआ श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवृत्ति। ये शास्त्र का श्रवण करने में लगाओ, आँख है तो अब आँख है, ज्ञानेन्द्रिय है तो आँख से पढ़ो गीता, कान है तो आप कान से जो है सत्संग सुनो, आप हाथ है तो हाथ से नोट्स बनाओ, इसको थोड़े मना करेंगे, आप पांव है तो इस पांव से चल करके सत्संग में जाओ। तो कह रहे हैं श्रवण आदि, सत्संग के श्रवण आदि के अलावा और जो दुनिया के काम हैं उसमें न लगाओ इसको। देखो यही लिखा ना, श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषय, श्रवण आदि से व्यतिरिक्त जितने काम हैं, कौन सा, दुनियादारी का, उससे निवृत्ति, इसका नाम है दम। नहीं क्लियर हुआ, हाँ भाई, गुड़गांव से चल के हरिद्वार आओ सत्संग में, तो आपका पांव चल के आया तो ये हो गया आपका, बिल्कुल ये आपका साधन हो गया, यही हो गया ना। और वहीं गुड़गांव से चल के शादी में जाओ पार्टी में सजोच के, तो वहाँ कौन सा श्रवण हो गएगा, शादी में कौन सा श्रवण होगा, हाँ, अरे ऐसा डीजे बजता है कि खड़े खड़े पाँव थिरकने लगते हैं, हाँ कितना मुश्किल है। तो आप उस जगह पर जाओगे तो आपका वो दम नहीं है, हाँ, कहाँ पर, श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयों निवृत्ति, विषयभ्य बहुवचन में है, श्रवण से व्यतिरिक्त जितने भी विषयों की तरफ आपके पांव जाते हैं उनसे रोक लेने का नाम हो गया दम। सत्संग की बात के अलावा जितनी भी बातें होती हैं उनसे रोक लेने का नाम आपकी वाक इंद्रिय का दम हो गया, वाणी रूपी इंद्रिय का। सत्संग स्वाध्याय के अलावा जितने भी विषय हैं उनकी तरफ से अपनी आँख को रोक लेने का नाम हो गया नेत्र का दम। देखो तो पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियों को हमने सत्संग के साथ जोड़ दिया, साधना के साथ जोड़ दिया, इसका नाम होता है दम, साम दम हो गया। तीसरा है उपरति, ये परिभाषाएं बहुत काम की हैं, आगे तक काम आ सकती हैं। उपरतिर नाम विहिता नाम कर्मणाम,
विधिना परित्यागः। देखो उपरति शब्द का शायद एक जगह पे पढ़ा था तत्वबोध में स्वधर्म अनुष्ठान में ऐसा पढ़ा था ना, स्वधर्म का पालन करे, और आत्मबोध में उपरति का भी आया होगा, आत्मबोध में भी आया था जो पढ़ा हो ध्यान हो तो। क्या आया था कोई बताएगा? हाँ तो यहाँ पर देखो उपरति नाम, उपरति किसको कहते हैं समझो, उपरति किसको कहा, विहिता नाम कर्मणाम, जो कर्म दुनिया में विहित हैं, विहित हैं माने संसार के लोग कहते हैं तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तो तुम्हारा विहिता नाम कर्मणाम माने कई बार कह देंगे अरे रामायण में ऐसा लिखा है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो जो कर्म विहित है उसको भी गुरु की शास्त्र की आज्ञा से त्याग देने का नाम होता है उपरति। हो यही गड़बड़ है, विधिना परित्याग, उपरतेर्नाम विहितानाम कर्मणाम, जो कर्म विहित हैं उनको भी विधिना परित्याग, शास्त्र की विधि के द्वारा आचार की आज्ञा के द्वारा उसको भी त्याग देने का नाम उपरति है। गुरुजी बैठे पढ़ा रहे हैं, गुरुजी बैठे पढ़ा रहे हैं और उनके गुरुकुल में 20 विद्यार्थी बैठे पढ़ रहे हैं, 20 विद्यार्थी बैठे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वेद का पाठ हो रहा है, उनको कंठस्थ कराया जा रहा है, यजुर्वेद का पाठ हो रहा है। इतने में एक विद्यार्थी के माता पिता आ गए, वहीं आके खड़े हो गए। अब वो बच्चा माता पिता को देख लिया, उठ के प्रणाम करे कि ना करे, करे कि ना करे? हाँ देखो देखो, अब मातृदेव भव पितृदेव भव वेद में कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुर, हाँ तो शीश नमः सुर गुर द्विज देखी, सब जगह पर ये सब विहित है, माता पिता को प्रणाम करना विहित है, लेकिन उस समय करे कि ना करे? हाँ हाँ देखो, उस समय अगर खुद उठ के खड़ा होके जाके प्रणाम करता है तो गुरु के वो दायरे से बाहर हो गया, गुरु की आज्ञा के बाहर हो गया, वो स्वयं निर्णय ले रहा है, क्योंकि उस समय गुरुकुल में वो कह रहा है कि मैं विद्यार्थी हूँ, गुरु जी का शिष्य हूँ, तो नियमता ये है कि खड़ा होके गुरु जी से प्रार्थना करे, बताए कि मेरे पिताजी आए हैं, उनकी आज्ञा ले के प्रणाम करे। कैसा लगता होगा? आप पढ़ लेना, पढ़ लेना इस प्रसंग को, जब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जनकपुर में हैं, धनुष टूट गया है, उसके बाद जब दशरथ जी आए हैं तब क्या घटना घटी है, उस प्रसंग में आप ध्यान से पढ़ोगे रामायण में तो प्रसंग, क्योंकि जनक महाराज आए, भरत शत्रुघ्न भी आए, वो दशरथ जी आए, पूरी बारात लेके आए हैं वहाँ से, और जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ आए हैं और दशरथ जी आते हैं, उस प्रसंग को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ आसान नहीं है महाराज, ए इसको कहते हाँ बहुत विचित्र है ये समझना। तो जो चीज जो जैसे जैसे समझो, पितामह भीष्म को प्रणाम करना अर्जुन का कर्तव्य है, द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करना सेवा करना अर्जुन का कर्तव्य है, लेकिन जब भगवान कहते हैं मारो इनको, अब देखो हाँ, तुम ठीक से नहीं बाण चलाओगे तो मैं मारूंगा, दौड़ पड़ते हैं चक्र लेकर के, अब क्या हो गया, फर्क पड़ा ना, फर्क पड़ा ना, बस विहित कर्मों का भी जो शास्त्र के द्वारा आपको एक समय पकड़ाए गए थे कि ये काम तुमको करना ही चाहिए, उसको भी शास्त्र की विधि के द्वारा ही एक समय पर त्याग देने का नाम होता है उपरति। जैसे संन्यास, संन्यास पहले हमने जो है यज्ञोपवीत कराया तो चोटी ओटी रखवाई, महाराज किसी किसी की चोटी तो बहुत बढ़िया है, इसकी चोटी तो देख के लगता है पूरा का पूरा ये पूरा ज्ञान सीधे इसी में आएगा, तुम्हारी चोटी छोटी है तो कम आएगा, इसकी चोटी बड़ी है तो ज़्यादा ज्ञान आएगा। हम लोग जब चोटी रखते थे तो कहते थे हमारा ज्ञान का एंटीना है। तो अब यज्ञोपवीत कराया तो शिखा सूत्र हमने पहनवाया,
यज्ञोपवीत पहनवाया, ये विहित हो गए, अब संध्या बंदन करें। जब संन्यास लेगा तब अब हम ही उसके शिखा सूत्र को हटा देंगे, अब तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं हुआ, अब तुम अपने आत्मा में रमण करो, उपरति समीप अपनी आत्मा में रमण करो। बहुत गंभीर चिंतन है। तो सभी कर्मों का अरे एक समय पर पकड़ाते हैं और एक समय पर छोड़ते हैं। तो जो आप ये मत कहना ये मेरा कर्तव्य है, वहीं गड़बड़ा जाता है जीव। कर्तव्य अनंत काल के लिए नहीं होता, कोई भी कर्तव्य हमेशा के लिए नहीं होता। तो अपने विहित कर्मों को भी एक समय पर त्याग देने का नाम ही उपरति। क्यों त्यागा? क्योंकि आत्मज्ञान की इच्छा है, परमात्मा को पाने की इच्छा है, चल पड़ा। आप कह सकते हो स्वामी विवेकानंद को माँ की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, भगवान शंकराचार्य को, उनके तो कोई भाई भी नहीं था, पिता भी नहीं थे, अकेली माँ थी वृद्ध, सेवा करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या हुआ, आप गड़बड़ा रहे, करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, संन्यास तो बाद में लिया विवेकानंद ने, वो तो पहले पगल ठाकुर के पास जा रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में। स्वामी विवेकानंद बाद में नाम हुआ था, रामकृष्ण परमहंस के मरने के बाद वो खेतड़ी के महाराज ने उनको कह दिया था अब तुम स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हो। हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने संन्यास नहीं दिया था किसी को भी। हाँ, तो अब बताओ, उसके पहले ही इसका मतलब आप उस चीज को गए। तो वहां पर अगर वो माँ पाप की सेवा करते तो एक साधारण मनुष्य रह जाते ना, एक सदाचारी मनुष्य रह जाते, एक अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अच्छे गृहस्थ बन के रह जाते, और जैसे हजारों पैदा हुए और मर गए वो भी मर जाते, खत्म कहानी। लेकिन उस एक छोटे से दायरे को छोड़ करके निकल गए तो कहां से सैकड़ों साल बाद भी हम उनका आदर से नाम लेंगे। तो जब छोटे को छोड़ के, एक बार शायद हमने पढ़ा है पारिवारिक कर्तव्य, उससे बड़ा होता है सामाजिक कर्तव्य, और उससे भी बड़ा होता है आध्यात्मिक कर्तव्य। उस चीज़ को यहाँ पे ला सकते हैं। श्रेष्ठ को पाने के लिए निकृष्ट का त्याग करने में कोई दोष नहीं होता। श्रेष्ठ को पाने के लिए निकृष्ट का त्याग करते हैं तो उसमें कोई शास्त्रीय बाधा नहीं है। उपरति बहुत गंभीर परिभाषा दे दिया। देखो फिर देखो अभी उपरति का ही बता रहे, श्रवणादिषु एव वर्तमानस्य मनसः, श्रवण आदौ वर्तमानं वा उपरतिः। उसी बात को करें, श्रवण आदिषु एव, श्रवण आदि में ही वर्तमान से हमेशा वर्तन करे, व्यवहार करे, मन से श्रवण आदि ही करता रहे, इसी का नाम होगा उपरति। हाँ, शास्त्र को रखे अपने पास, अपनी डायरी रखता है, अपना पेन रखता है, अपना मृगचर्म रखता है, अपना कमंडल रखता है, यही उपरति है, यही उपरति है। अब सम दम उपरति, तीसरा था, चौथा तितिक्षा। तितिक्षा नाम देह विच्छेद व्यतिरिक्तम शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम निग्रह शक्तौ अपि पर अपराध सोढित्वम वा तितिक्षा। तितिक्षा, तितिक्षा वहाँ पढ़ा था शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्व, ये पढ़ा था ना। यहाँ पर एक उसमें और बात लगा दी, देखो अब थोड़ा सा सूक्ष्म और आगे गया ना। वहाँ कहा था सर्दी गर्मी सुख दुख सम्मान अपमान को सह लेने का नाम तितिक्षा है, यहाँ क्या लगा रहे हैं, देह विच्छेद व्यतिरिक्तम तितिक्षा नाम। तितिक्षा किसको कह रहे हैं, अब इतनी सर्दी ना सहो कि मरी जाओ। अब हिमाचल वहाँ चले गए केदारनाथ, और वहाँ केदारनाथ में ये तत्व बोध पढ़ा हुआ है तितिक्षा 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 तितिक्षा, और बिल्कुल कौपिन लगा के खड़े हो जाओ अंगूठी लगा करके, और रात में टे बोल गए तो क्या श्रवण करोगे फिर, फिर किसको हम वेदांत पढ़ाएंगे। तो इतनी तितिक्षा ना करो कि तुम भैया निपट जाओ। समझ रहे हो ना बाब, देहा विच्छेद व्यतिरिक्तम
अब समझ सकते हो तो अब समझ लेना। अब एक पांव पर खड़े हो गए, क्या कर रहे हो? बोले तितिक्षा कर रहे हैं। बोले हम उस तितिक्षा के पक्ष में नहीं, कांटे पर लेट गया या गर्दन सिर में जब जमीन में डाल के लेट गया, उस तितिक्षा नहीं ना। हमारी तितिक्षा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावशील ओ देह विच्छेद व्यतिरिक्त शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णु। देखो बस कह दिया, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि का सहन कर लो। कब तक? बोले जब तक सहा जाए। अब ना सहा जाए तो दवाई करा लेना, ना सहा जाए तो ये नहीं कि तितिक्षा कर रहे हैं, दर्द हो रहा है पेट में, ऐठ रहा है नहीं, अच्छा हार्ट में दर्द होने लगे, धक धक, हाँ बीपी बढ़ गया, हाँ कहा हुआ पुराना अच्छा अब इतना दर्द हो रहा है, अब किसी से कहा दर्द हो रहा है, उसने कहा तितिक्षा अरे तो तुम्हारी तितिक्षा के चक्कर में मैं मर जाऊंगा ना, मुझको अस्पताल ले चलो, दवाई कराओ भाई, हमारा जो है जो कुछ करना है, हाँ क्या एंजियोग्राफी कराओ और क्या क्या होता है, हाँ तो अब जो डॉक्टर ने दवाई किया वो करूँगा, क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है, अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो मर जाऊँगा, तो भैया दवाई भी खा लेना चाहिए। हाँ चले आगे, तो इतना मत सहना कि आपका शरीर न चले, उतना सहो जितने में आपका ध्यान करने में भगवान की भक्ति करने में मन लगे, उतना सहो। हाँ एक चीज़ और कह दिया, अब तितिक्षा माने गुरुजी आपको तितिक्षा करनी चाहिए, क्या क्षमा बड़न को चाहिए? हाँ मैं तो तुम्हारे सिर पे नाचूंगा डांस करूंगा, हम जैसी मर्जी होगी वैसे करेंगे, आप तो गुरुजी सह लो, तो महाराज वो भी समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं देखो, निग्रह सकतो अपि, दूसरे को दंड देने की सामर्थ्य है, निग्रह सकतो अपि, सामर्थ्य है कि मैं किसी को दंड दे सकता हूँ, फिर भी उसकी गलती को सह लेता हूँ, इसी का नाम शिक्षा। निग्रह सकतो अपि पर अपराध, पर अपराध दूसरे के अपराध को सोढ़ित्रम सह लेते हैं थोड़ा सा, इसी का नाम हो गया तितिक्षा। लेकिन एक सीमा रेखा बनाते हैं, जैसे जैसे आप लगा लो भगवान श्री कृष्ण, 100 गाली है ना, तो 90 गाली तक क्या कर रहे हैं उसके अपराध को क्षमा कर रहे हैं, तो निग्रह शक्ति पहली गलती में ही वो चक्र चला के उसको निपटा सकते थे, लेकिन नहीं, सामर्थ्य है और सामर्थ्य होने के उपरांत भी सामने वाले की गलती को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इसका नाम होता है शिक्षा। ये लगभग माँ बाप करते हैं परिवार में, परिवार में माँ बाप करते हैं, और आश्रम में बेचारे गुरुजी लोगों को करना पड़ता है, जानते हुए भी कई बार, चलो ठीक है बच्चे हैं कोई बात नहीं, मंगा लो समोसा चुपके से खा लो, जब पेट दर्द करेगा तब बताएंगे। चलिए तितिक्षा हो गया ना, हो गया, अब आगे समाधान। समाधानम नाम श्रवण आदि सुवर्तमानम मनोवासना वशाद विषयेषु यदा यदा गच्छति तदा दोष दृष्ट्या तेषु तेषु श्रवण आदिषु समाधि समाधानम। समाधान किसको कह रहे हैं? कहें देखो श्रवण आदिषु वर्तमानम, हम अब समय सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, श्रवण आदिषु वर्तमानम माने श्रवण मनन निध्यासन के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, और इसी बीच में मनोवासना वसाद विषयो, ये मन अपने संस्कार और वासनाओं के कारण, वासना वसात वासना के कारण, संस्कार के कारण, विषयेषु संसार के विषयों में भाग जाता है, जिसको आप लोग कहते हो मन चंचल है पापी है भाग जाता है, तो जहाँ जहाँ जावे यदा यदा गच्छति, ये मन जहाँ जहाँ जावे वहीं पर देखो विचार करो, माना हे मनीराम जिसको तुम सोच रहे हो उसमें बड़ा दुख है, उसमें बड़ी तकलीफ है,
तदा दोष दृष्टिया तेसु तेसु, इसका विचार करो। आप बैठो यहाँ पर, मन ने कहा चलो चल करके चोटी वाला के यहाँ कुछ खा के आए। देखो सरसरोण के बीच में, और उस समय अब अपने मन को क्या समझाना है, चोटी वाला का खाना लोग भले कहते हो थर्ड क्लास का होता है, थर्ड क्लास, कई बार बड़े बड़े फाइव स्टार का होटल बिल्कुल थर्ड क्लास का खाना होता है, हाँ, लेकिन आदमी समझता नहीं उस बात को, है ना। सुन लो, तो अब देखो, अब क्या किया आपने, उसमें क्या देखा, दोष, दोष देखा तो मन का वहाँ से जाना हट गया। अब यहाँ बैठे हैं, बैठे हो सत्संग में, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, सर्वव्यापक हो, काश थोड़ा छुट्टी मिले तो गंगा नहा के आते, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती इसी बहाने। अब देखो मन में आया ना, कहाँ गया बाहर मन, अब चुपके से गंगा नहाने गए, तब तुरंत मन में सोचो नहीं, आजकल का जो पानी है ना, ऊपर पहाड़ पे बहुत पानी बरसा है, तो पानी जो आया हुआ है गंगा जी में वो रेत से मिला हुआ है, मोटी मोटी, ऐसी रेत वाला अगर आँख में चला जाएगा तो आँख खराब हो जाएगी, ऐसी पानी में जो है स्नान से थोड़ा बचना चाहिए, ऐसे नहाएंगे तो शायद जो है बीमार हो गए तो उसमें दोष देखो, बच जाओ आप। तो जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ दोष देख करके मन को हटा लो, प्रतिपक्ष भावना से, प्रतिपक्ष भावना से, हाँ, इसको कहते हैं प्रति, इसी का नाम होता है समाधानम। यदा यदा गच्छति तदा दोष दृष्ट्या तेसु तेसु, जहाँ जहाँ जब जब ये मन भागे सत्संग आदि से, तब तब जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं पर देखो तो कोई समस्या की जड़ होगी, वहाँ कोई दुख होगा, तो वहाँ से मन को खींच के सत्संग में लगाओ, इसी का नाम समाधान। अब आखिरी बात श्रद्धा, अब श्रद्धा को हम ज्यादा नहीं कहेंगे, सुन लो इतनी, श्रद्धा नाम गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः, इदं तावत् समाधि षटकम् इति उक्तम्। श्रद्धा नाम इतना है कि गुरु वेदांत, गुरु और वेदांत के वाक्यों में, वाक्येषु ये सप्तमी है, सप्तमी है, गुरु और वेदांत के वाक्यों में अतीव विश्वास, अतीव शब्द लगाया ना भगवान भास्कर ने, विश्वास नहीं, अतीव विश्वास, इसी का नाम श्रद्धा है। इदम तावत, ये इतना जितना बताया, समाधि षटकम इत्युक्तम, ये समाधि षटक है। अब हो गया विवेक वैराग्य समाधि षटक, अब आगे मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्वम नाम मोक्षे अतितीव्रेक्षावत्वम्। मुमुक्षु किसको कहते हैं, मुमुक्षु, पहले क्या कहा था, मोक्षो में भूयात इति इच्छा, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, दुखों से छुटकारा मिले, जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम जो फंसे पड़े 84 लाख योनियों में, इससे छूटे, इसी का नाम होता है मुमुक्षा। यहाँ पर एक शब्द लगा दिया, देखो मोक्षे अति तीव्र इच्छावत्तम, अति तीव्र इच्छा, अति तीव्र माने, अब वो वाला दृष्टांत यहीं पर लागू कर लो, पानी में डुबकी लगाने वाला वो है ना, कि महात्मा जी ने चेले का सिर पकड़ के पानी में डुबा दिया नदी में, गंगा जी में, और एक मिनट के बाद, दो मिनट के बाद उठाया, बता इतनी देर में क्या इच्छा थी तेरे भीतर, एक मिनट जब पानी में तुझको डुबाया था गर्दन तेरी, तो उस समय क्या इच्छा थी तुम्हारी, खाने की कोई, कपड़े की, हाँ, मान सम्मान की कोई इच्छा थी। उसने कहा गुरुजी और कुछ नहीं, बस ये था कि एक श्वास मिल जाओ, एक जान बचे बस लाखों, यही तो जब उस समय सांस, एक श्वास, बोले इसी का नाम है अति तीव्र इच्छा, इतनी इच्छा होवे, इसी का नाम होता है मुमुक्षा। हमको केवल इस मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है और कुछ नहीं, इसी का नाम मुमुक्षा। एतत् साधन चतुष्टय संपत्तिः, तद्वान् साधन चतुष्टय संपन्नः, तस्य आत्म अनात्म विचारे अधिकारः।
यथा ब्रह्मचारिणः कर्तव्यंतरं नास्ति तथा अस्य अन्यत् कर्तव्यं नास्ति। देखो एतत् साधन चतुष्टय संपत्ति, ये चार चीजों को मिला के हमने कहा ये संपत्ति है। साधन चतुष्टय संपत्ति, संपत्ति तो जैसे धन होता है, तो धन को जिसने अपना माना, जिसके पास धन है उसको आपने कहा धनवान, ये धन से संपन्न है। जिसके पास जमीन है उसको आपने कहा जमींदार। ऐसे ही तदवान साधन चतुष्टय संपन्न, ये चारों चीजों से जो संयुक्त है उसको आप कहिए साधन चतुष्टय संपन्न। अब आगे से जब कभी हम कहेंगे साधन चतुष्टय संपन्न, संपन्न माने क्या होगा? हाँ, दूसरे के घर में रखा हुआ है तो उससे मेरे को क्या लेना देना? दूसरे के घर में बहुत सारी चीजें हैं, उससे आपको क्या फायदा होगा? आपके आपके पास में है ना, आपकी जेब में जितना है उसको, वो आपका है ना। उसी प्रकार से ये चारों चीज जिसके भीतर हैं उसको हम कहते हैं साधन चतुष्टय तदवान। तदवान माने वही वान, वह प्रत्यय लगा, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, तदवान, तो उससे संपन्न है, उसी का नाम साधन चतुष्टय संपन्न। उसी का तस्य, उसी का ही, जो साधन चतुष्टय संपन्न है उसी का ही आत्म अनात्म विचारे अधिकार। ये जो ग्रंथ है आत्मा अनात्म विवेक, उसी का इस विचार में अधिकार है, वो डिजर्व कर रहा है, वही पात्र है, ये योग्यता है। अगर ये नहीं है साधन चतुष्टय तो शायद फिर इसका पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएगा। उसी का कैसे? यथा जैसे ब्रह्मचारिणः कर्तव्य अंतरम नास्ति, जैसे ब्रह्मचारी का बस एक ही कर्तव्य है विद्या अध्ययन करे, विद्या अध्ययन के अलावा और कोई उसका दूसरा कर्तव्य नहीं होता, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से जो साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये ही कर्म करे और मोक्ष प्राप्ति के अलावा उसका कोई कर्तव्य नहीं। सबसे ज़्यादा समस्या ये आपके जो है विश्वविद्यालयों में होती है, प्रयाग विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, JNU बड़ा बदनामी है। जाते हैं काय के लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं वहाँ पर क्या नेतागिरी। और उस नेतागिरी में वो कहते हैं प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। प्रोटेस्ट करना हमारा, तो तुम आए थे किस लिए विश्वविद्यालय में? पढ़ने के लिए कि प्रोटेस्ट करने के लिए? हमारा चूँकि वो सरकार अनुदान देती है, UGC मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो पैसा देती है तो उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। जितने जितने प्राइवेट संस्थाओं के विद्यालय हैं वहाँ पर देखो जा करके, चिन्मय मिशन के करीब 60-70 विद्यालय हैं, रामकृष्ण मिशन के विद्यालय हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले विद्यालय हैं, वहाँ पर यूनियन गिरी करके दिखाओ। हाँ, एक झटके में बाहर कर देंगे, एक झटके में बाहर कर देंगे, करो वहाँ पर। वहाँ पर आपका कानून, जहाँ आप सरकार का पैसा लोगे तो सरकार जो है अपना कानून लगाएगी। यही गड़बड़ी है ना, जैसे हमारे हमको हम तो लखनऊ में बहुत सारा अनुदान ले सकते थे, गौशाला के नाम से ले सकते थे। आपका प्रोटेस्ट करना अधिकार नहीं है, आपका प्रोटेस्ट करना है राजनीति में जाओ। आप विद्या अध्ययन करने आए हो तो विद्या अध्ययन करो, विद्यालय में यूनियन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्या हुआ, चोट लगी किसी को पढ़ने वालों को? हाँ, है ना, और कोई कर्तव्य नहीं आपको, और कोई कर्तव्य नहीं। अस्पताल गए हैं किस लिए? अपना इलाज कराने के लिए, और वहाँ जाके डॉक्टर को कहते हो ये डॉक्टर सिगरेट पी रहा है, ये डॉक्टर देखो सिगरेट पी रहा है, चलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लो अब बताओ फिर क्या करोगे, है ना। वहाँ आप गए हो इलाज कराने के लिए, डॉक्टर को सुधारने नहीं गए हो। हाँ,
क्या कर लेते हो, वो आप काउंटर पे खड़े हुए हो, लंबी लाइन लगी हुई, चले जाओ एम्स में, ऋषिकेश एम्स में दिल्ली के, वहाँ से वहाँ तक लाइन पर खड़े हुए हो, हाँ आधा किलोमीटर लंबी लाइन खड़ी है ओपीडी में, और वो जो काउंटर पे बैठा है मोबाइल पर बतिया रहा है, हाँ बतिया, आप करके दिखाओ कुछ अपना, क्या कर लोगे, हाँ? कई बार वो ऐसे, क्या नाम है, कितनी उम्र है, एड्रेस कहाँ है, जो भी लिखना हो लिख दे भाई, तो कुछ नहीं मैं, आप जिस लिए आए हो, जिस प्रयोजन से आए हो, अपने प्रयोजन को सिद्ध करो, उसके अलावा और इधर उधर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। आप मुमुक्षु हो ना, मुमुक्षु हो, साधन चतुष्टय संपन्न हो, तो आप आए किस लिए थे, मोक्ष के लिए, तो आप अपने उस प्रयोजन को सिद्ध करो, और अन्य कर्तव्यम नास्ति, उसके अलावा आपका कोई कर्तव्य नहीं। दृष्टांत दे दिया, जैसे ब्रह्मचारी का विद्या अध्ययन के अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं। अब तो आपने कह दिया साधन चतुष्टय वाला ही ज्ञान का अधिकारी है। महाराज बड़ी भारी बात यह है कि हम तो साधन चतुष्टय हैं नहीं, हम गृहस्थ में हैं। अब हम वेदांत सुने कि न सुने, आप पढ़ा रहे हो तत्वबोध आत्मबोध गीता, हम साधन चतुष्टय संपन्न नहीं, अभी देखते हैं अपने मन को, और गृहस्थ भी हैं, अब हम इसका सत्संग सुने कि न सुने। साधय चतुष्टय संपत्ति अभावे अपि गृहस्थानाम आत्मविचारे क्रियमाणे सति तेन प्रत्यवायो नास्ति किन्तु अतीव श्रेयो भवति यथा दिने दिने च वेदांत विचाराद् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छासीति फलं भवेत् इति युक्तम्। साद बस पंक्ति का अर्थ पढ़ लो, साधन चतुष्टय संपत्ति अभावे अपि, ये चारों साधन चतुष्टय की संपत्ति नहीं है अभी, अभावे अपि माने अभी नहीं है, किसमें, गृहस्था नाम, जो गृहस्थ में है तो हैं गृहस्थ में, लेकिन साधन चतुष्टय सम भी हम नहीं हैं, तो आत्म विचारे क्रियमाणे सती, और फिर वो गीता और उपनिषद के विचार में चले गए, सत्संग सुनने लगे, तो तेन प्रत्यवायो नास्ति, उसमें कोई दोष नहीं। थोड़ा पीठ ठोक लेना, बहुत बढ़िया है ना, देखो ये सारे गृहस्थियों के लिए कितना संतोषजनक है, इस पंक्ति को रट लेना आप लोग, भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, अगर साधन चतुष्टय संपन्न भी नहीं है, गृहस्थ में भी है नहीं है, तो भी गीता और उपनिषद आदि का श्रवण करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु अतीव श्रेयो भवति, अपितु बहुत कल्याणकारी होगा। कैसे, इस श्लोक, ये गृहस्थी लोग इस श्लोक लट डालना, और जहाँ कोई बोले धड़ाधड़ सुना देना, ये गृहस्थी लोगों के लिए कहा, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं कहा, इसको गृहस्थी लोग रट डालना। दिने दिने च वेदांत, प्रतिदिन रोज रोज, दिने दिने माने रोज रोज, वेदांत का विचार जो करता है भक्ति संयुतात प्रेम से श्रद्धा से, रोज रोज इस वेदांत का श्रवण मनन भक्ति और श्रद्धा से जो करता है, बस इतने में समझ लो, अपने आप पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि अपने आप पढ़ेगा तो भ्रम की गुंजाइश हो जाएगी, अलब्ध भूमिकत्व में चला जाएगा, इसलिए फिर अगला क्या कहा, तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्ने, वो चीज गुरु शुश्रूषया लब्धात्, बार बार स्मरण, वेदांत और आचार्य, शास्त्र और आचार्य, ये दोनों का हमको आधार छूट गया तो फिर गए,
अपने आप वेदांत शास्त्र का श्रवण करोगे, उससे जो है भीतर अभिमान की वृद्धि होगी और अहंता की निवृत्ति नहीं हो सकती, बुद्धि में भ्रम पैदा हो, अलब्ध भूमिकत्व में चला जाएगा। तो गुरु शुश्रूषा अलब्धात, क्या कृच्छ आसीत, एक कृच्छायण और चंद्रायण जो व्रत होते हैं, तो सैकड़ों कृच्छायण और चंद्रायण का जो फल होता है वो वेदांत का सत्संग सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। तो बड़े बड़े कृच्छायण चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे, वो जो फल मिलता है जब आप वेदांत का श्रवण मनन करते रहते हो, तो यही वो फल आपको प्रदान कर देता है। इसलिए अगर गृहस्थ में रहते हुए भी कोई श्रवण करता है तो उसका भी परम कल्याण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।